हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी बना रही हूँ मैं मौसमी का जूस, तो चलिए चलते हैं, जूस बनाते हैं। और कैसे बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हैंड मशीन, देखिए इसमें एमएल भी बने हुए हैं और ना लाइट का झंझट नहीं है इसमें। लाइट चले भी जाए तो आप आराम से जूस बना के पिला सकते हैं बच्चों को, और अगर किसी के घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको बना के हाथों से, अपने हाथों से इससे पिला सकते हैं निकाल के। तो ये देखिए, इसमें ऊपर जाली बनी हुई है, अगर आप ऊपर से निकालना चाहें ऐसे करके तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसमें मौसमी काट के इसमें डालनी है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, है ना काम की चीज़। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मौसमी का जूस बनाते हैं। आज ने मुझे 102 बुखार है, मैं फिर भी हिम्मत करके दवाई खाई मैंने, पैरासीटामोल, और अपने लिए बना रही मैं मौसमी का जूस। और आपको वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा था और दवाई खा के थोड़ा आराम मिला तो मैं जूस बना रही हूँ। अपने लिए भी फीवर में जूस निकालना ना बहुत बड़ा टारगेट है, और मन कर रहा है कि मौसमी का खट्टा खट्टा सा जूस पिएँ, तो इसलिए मैं जूस निकाल रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ जूस पीने के लिए। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है फीवर में, और बच्चों ने खाना खा लिया है तो मैं अपने लिए जूस बना रही हूँ, मुझे सिर्फ जूस ही पीना है। देखिए कितनी मेहनत का काम है। तो ये देखिए, जूस निकल के तैयार हो गया है, और जो मौसमी के रेसे से होते हैं ना वो ऊपर से आ जाते हैं और इनको साइड में निकाल देते हैं, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ दूसरी तरफ से कैसे निकालते हैं जूस। देखिए यहाँ से मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए बहुत मेहनत लग रही थी इससे निकालने में, निकल तो रहे था, बीज भी उसमें जो जाली है उसमें आ जा रहे थे, और लेकिन मेहनत बहुत लग रही थी, उसको घुमाना पड़ रहा था, तो मैं तो जो जार है ना उसी को घुमाते जा रही थी, तो इसलिए उतना नहीं निकल रहा था, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। मैंने फिर उसको ऊपर से वो कर दिया, फोल्ड रख दिया, और ऐसे हाथ से निकालने में, प्रेस करने में, और अच्छा सा जूस निकल रहा था। और ये है हमारा 3 मौसमी का जूस है, और चलिए रेडी हो चुका है, और इसे छान लेते हैं, या आप ऐसे भी पी सकते हैं। इसमें एमएल भी लिखे हुए हैं, और आप ना जितना एमएल आपको पीना है डॉक्टर ने बोला है आप उस हिसाब से इसको पी सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया जूस बन के तैयार हो गया। इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, और मार्केट में तो ना जो चीनी का बूरा होता है वो मिला देते हैं मीठा करने के लिए, तो मैं यहाँ पर खाली काला नमक मिला रही हूँ, और आप चाहे तो काली मिर्च भी मिला सकते हैं इसमें। और ये है मेरे पास 1 चम्मच स्पून छोटी सी, और इसमें ही वो बनी हुई है सिर्फ, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, तो मुझे तो अच्छा लगा, पीने में भी टेस्टी हो रहा है, काफ़ी समय के बाद बनाया मैंने ये।